गुड मॉर्निंग बच्चों, हम पढ़ रहे हैं आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में पाठ 4 सांवले सपनों की याद। यह एक संस्मरण है। संस्मरण स्मृति के आधार पर किसी विषय या व्यक्ति के बारे में लेख लिखना संस्मरण कहलाता है। इस पाठ के लेखक हैं श्री जाबिर हुसैन जी। यह पाठ सालिम अली पर केंद्रित है। सालिम अली एक पक्षी प्रेमी थे। सालिम अली की जीवन यात्रा पर दृष्टि डालें तो ऐसा लगता है मानो सुनहरे पक्षियों के पंखों पर सवार कोई मनमोहक सपनों का जुलूस मौत की खामोश वादी की ओर चला जा रहा है। इस भीड़ में आगे आगे चल रहे हैं प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सालिम अली। आज वह जीवन की भीड़ भाड़ और तनावों से अंतिम विदाई ले चुके हैं। उनको वापस लाना किसी के वश की बात नहीं है। सालिम अली इस बात से परेशान थे कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखते हैं, जैसे कि वे लोग जंगलों, पहाड़ों, झरनों को देखते हैं, किंतु कोई आदमी केवल पक्षियों का मधुर संगीत सुनकर अपने मन में रोमांच अनुभव नहीं कर सकता। ना जाने कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला, गोपलीला, माखन लीला, बांसुरी वादन और वन विहार किया था, परंतु आज भी हम वृंदावन में यमुना का सांवला पानी देखते हैं तो महसूस कर पाते हैं कि अभी कोई अचानक बांसुरी बजाने लगेगा, संगीत का जादू पूरे बगीचे पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से रिक्त नहीं हुआ। सालिम अली भी इसी तरह पक्षी जगत में समाये हुए हैं। सालिम अली कमजोर शरीर वाले व्यक्ति थे। 100 वर्ष के होने में कुछ दिन बाकी थे। लंबी जीवन यात्राओं ने उन्हें कमजोर कर डाला था और शायद कैंसर की वजह से वे मृत्यु को प्राप्त हुए थे, किंतु जीवन की अंतिम सांस तक वे पक्षियों की खोज और सुरक्षा में लगे रहे। उनकी आंखों पर चढ़ी दूरबीन मृत्यु के बाद ही उतरी थी। सालिम अली को प्रकृति में एक हस्ती खेलती जादू भरी दुनिया दिखाई देती थी। उन्हें अपनी मेहनत की दुनिया बनाने में उनकी पत्नी तहमीना का भी बहुत बड़ा योगदान था। वह उन्हें भली भांति समझती थी। प्रधानमंत्री चरण सिंह से जब मुलाकात हुई सालिम अली की, एक बार तात्कालिक प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मुलाकात हुई थी। वे केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाना चाहते थे। चौधरी चरण सिंह गांव की मिट्टी में जन्मे थे, इसलिए वे सालिम अली की पर्यावरण सुरक्षा संबंधी बातें सुनकर भावुक हो उठे थे। आज ये दोनों ही व्यक्तित्व नहीं रहे। ना जाने अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली धरती पर जाने वाले पक्षियों की चिंता कौन करेगा। सालिम अली की आत्मकथा का नाम है फॉल ऑफ ए स्पैरो। D.H. लॉरेंस की मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस ने अपने पति के बारे में कुछ लिखने का अनुरोध किया। फ्रीडा ने कहा, मेरे पति के विषय में मुझसे अधिक मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया जानती है। लॉरेंस इतना खुला और सीधा सरल इंसान था कि गोरैया उनके व्यक्तित्व के बारे में बहुत अच्छे से जानने लगी थी। बचपन में एक दिन गलती से सालिम अली के हाथों नीले कंठ वाली एक गोरैया घायल हो गई थी। उसी दिन से वे पक्षियों की खोज में लगे हुए थे। गोरैया के घायल होने पर लॉरेंस को बहुत दुख हुआ। वे बहुत रोए। उसी दिन से उन्होंने ठान लिया कि आज से वह पक्षियों की ही देखरेख में लग जाएंगे।
प्रकृति के रहस्यों को जानने के लिए वे एक से एक ऊंचाइयां छूने लगे, मानो वे प्रकृति के प्रतिरूप बन गए। वे अखंड सेनानी बने रहे। उन्हें याद करने पर लगता है कि आज भी वे पक्षियों की तलाश में निकले होंगे और अभी गले में दूरबीन लटकाए खोजपूर्ण परिणामों के साथ वापस आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये थी सालिम अली की पक्षी प्रेम की कहानी।